क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बकरी पालन से महिला अधिकारिता योजना के तहत बकरी बैंक के सहयोग से 500 महिलाओं को बकरियां वितरित की जा रही है। पशुपालन और डेयरी व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार ने महिलाओं से बकरी पालन व्यवसाय में शामिल होकर आर्थिक विकास हासिल करने की अपील की। बकरी बैंक के सहयोग से रामटेक तालुका के बोंदरी में अहिल्या देवी महाराष्ट्र भेड़ और बकरी विकास निगम के खेत पर 500 महिलाओं को 500 बकरियां वितरित की गईं। इस अवसर पर मार्गदर्शन करते हुए केदार बोल रहे थे। बकरी बैंक की अवधारणा के तहत महिलाओं को बकरियां बांटने की राज्य में ये पहली पहल है। इस समय पहली 100 महिलाओं को बकरियां बांटी गयी। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, उपाध्यक्ष सुमित्रा कुम्भारे, कृषि एवं पशुपालन अध्यक्ष चफेश्वर वैद्य, महिला एवं बाल कल्याण अध्यक्ष उज्ज्वला बुंडारे, महाराष्ट्र मत्स्य पालन एवं पशुपालन विश्वविद्यालय के कुलपति आशीष पाटुरकर, गोट बैंक ऑफ कारखेड़ा के अध्यक्ष नरेश देशमुख, वेंकटेश्वर गोट बैंक, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र भेड़ और बकरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शशांक पांडे, जिला परिषद सदस्य दूधमर्जी सावालाखे, पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी, अनुमंडल पदाधिकारी वन्ना सारंगपटे, सरपंच सुषमा भीमनवार, पंचायत समिति अध्यक्ष जनप्रतिनिधि पदाधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। शेळी तुम्हाला दवाखान्याची गरज राहणार नाही, हा दवाखाना तुमच्या घरापर्यंत येईल। तर एक शेळी किंवा एक जनावर तुम्ही दवाखान्यात नेतो म्हटलं तर ती ओढ वाढ करते, मग त्या दोरी तुटते त्या ठिकाणी, मग डॉक्टर गेल्यानंतर डॉक्टर भेटला का भेटला माहित नाही, आणि औषध तो सगळ्यात त्राण आहे। आणि म्हणून राज्य शासनाला हा फिरता पशुचिकित्सालय दिलेला आहे। 1962 नंबरची त्या टोल फ्री आहे, त्याच्यावर फोन करा। त्याचं हेड ऑफिस त्या पुण्यामध्ये कॉल सेंटर, त्याची आम्ही त्याची पूर्ण तिथे माहिती घेत असतो। हा दवाखाना तुझ्या घरापर्यंत येईल आणि तुमच्या शेळीचं आरोग्य तपासण्याचा प्रयत्न करेल। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।